हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने फैमिलीज के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से मेरी न्यू रीडिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनका नाम लेते रहिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ये रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत बातूनी हैं। आप बहुत बात करते हो और हो सकता है कि आपके पर्सन शांत हो, या हो सकता है उल्टा हो कि आपके पर्सन बहुत बात करते हैं और आप शांत हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख दो कौन बातूनी है और कौन शांत है ना, लिख दो कमेंट सेक्शन में। तो ये जो पर्सन हैं बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन एक्चुअली आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिन बातों की वजह से आप हो सकता है सोच रहे हो कि वैसे तो मुझसे इतना लड़ा करते थे पर अब क्या हुआ अचानक से, ये बातें इनको चुपती थी, इन बातों को ये सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक अब क्या हुआ कि ये पर्सन आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन तरस रहे हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत दिल से साफ होते हैं, वो अपने मन में ना अंदर कुछ नहीं रख पाते, चाहे उनको कोई कितना भी हर्ट करे, चाहे उनकी कोई बात सुने चाहे ना सुने, वो जो कुछ भी बात है ना वो बस दिल खोल कर दिल में नहीं रखते, अंदर ही अंदर वो बता देते हैं, सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वही चीज़ है, ये पर्सन अब आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल चुप हो गए हो, आपने चुप्पी सान ली है और आप बोलते नहीं हो, अब आपकी बातें सुनने को नहीं मिलती। इस पर्सन को इस वक्त कोई आइडिया नहीं है आप किस हाल में हो, आप क्या कर रहे हो, पर यकीन मानो ये पर्सन बोलना चाहते हैं आई मिस यू। यकीन मानो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि आपको चाहने लगे हैं, ये पर्सन बोलना चाहते हैं बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ये पर्सन आपसे, और आपके अलावा ये पर्सन किसी और को उस नज़र से नहीं देख पाए। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स हो, बहुत ही क्लोज मोमेंट्स हो, और ये पर्सन उनको भी याद करते हैं, स्पेशली जब शाम ढलती है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को शाम बहुत पसंद हो, शाम को लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घूमना, है ना। हो सकता है ये पर्सन लव स्टोरीज़ देखना, मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में, ये रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। ऐसा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन उन सभी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो हमेशा आप इनके जहन में होते हो, हमेशा इनके दिल में होते हो। अगर ये पर्सन जॉब वगैरह भी करते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, तो भी ये पर्सन दिन में कुछ टाइम निकाल लेते हैं आपके बारे में सोचने के लिए अलग से बैठ के। जी हाँ, अक्सर ये पर्सन अकेला बैठना महसूस करता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो सकता है, इनकी कोई प्लेस हो घर के पास या फिर छत पर जाकर अक्सर ये पर्सन टहलते हों, ठीक है, या गाने लगा के फ़ोन में लीड लगा के कानों में तो फिर ये सुनते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई, हो सकता है पहले की कोई पिक्चर हो साथ में, या हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी मेमरीज़ हो, आपकी कोई फेवरेट पिक्चर हो, मैं बता रही हूँ आप इनके दिल में भी हो, आप इनके फ़ोन में भी हो। जी हाँ,
बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, ये पर्सन ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे। पर अब भी जैसे कहते नहीं, अब वहाँ पे भी सब कुछ सुना सुना हो गया। अब इनको लगता है कि जब आप हो ही नहीं तो किस वजह से मतलब ये चीज़ों को करें। अब आप हो ही नहीं तो फिर चीज़ें कैसे करें, है ना? तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों को लेके दुखी रहता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचता रहता है, इनका दिल ओवर थिंकिंग करता रहता है कि काश कितना अच्छा होता वो चीज़ें हुई ना होती। उस चीज़ को लेके ये पर्सन पछताता रहता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइजेशन हुआ है, जिसे कहते नहीं है, अब पछतावा हो रहा है जब टाइम पूरी तरीके से निकल गया। अब इनको लगता है उस टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता था। अब पीछे मुड़ के जब इंसान देखता है तो इनको लगता है कि सिचुएशन इनके हाथ में ही थी, और ये चाहते तो आप दोनों मिलके पूरी तरीके से उन लड़ाइयों को सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो आप दोनों मिलके उन चीज़ों को अपने हाथ में कर सकते थे, उन चीज़ों पर काबू पा सकते थे। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इन्होंने वक्त रहते बहुत ज़्यादा वक्त गवा दिया है। मुझे लगता है कि इससे पहले शायद इस पर्सन ने कभी भी आपके पीठ पीछे की हुई करतूतों को कबूला नहीं होगा, पर अब ये एनर्जी ये बोल रही है कि ये पर्सन बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों की अलग होने की वजह, यहाँ पे मैं कोई ट्रायंगल को मानती हूँ, ठीक है, आप दोनों के अलावा कोई और भी यहाँ पे है जो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का जिसने काम किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिए थर्ड पर्सन, चाहे उनका परिवार हो सकता है, चाहे इनकी खुद की बुद्धि हो सकती है, चाहे टेम्प्रेरी किसी ने कुछ कह दिया। क्योंकि इस पर्सन की एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रही हूँ, इनकी एनर्जी किसी दूसरे की एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाती है। इनकी एनर्जी किसी दूसरे की वजह से अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो एनर्जी जब से मैं देख रही हूँ तो मैं महसूस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चूक रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मात खा रहा है। दूसरों की बातों में आके इस पर्सन ने पहले भी आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ख़राब किया है, और वही चीज़ कोई इनको भड़का दे, कोई इनके सामने दो मीठी मीठी बातें कर दे, तो इस पर्सन को लगने लगता है कि ये तो भाई मेरा अपना ही है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं है। मुझे साफ नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ बहुत बार धोखा हुआ है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा है कि नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन आप जो हमेशा इस पर्सन के साथ अच्छे से रहना चाहते हो, इस पर्सन की भलाई चाहते हो, इस पर्सन को बुरी नज़र से दूर रखना चाहते हो, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा आया है जिसकी नज़र आप दोनों को लगी है। उसका मकसद आपसे दुश्मनी निकालना नहीं, बस आप दोनों को अलग रखना, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो यहाँ पे तीसरे की वजह से बात ख़राब हुई है, यहाँ पे तीसरे की वजह से यहाँ पे गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अड़चन है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आई है कि आप दोनों के बीच में ना वो तालमेल बैठ ही नहीं उस टाइम। ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में रहना चाहते हो, पर अक्सर किसी और की वजह से जब दूरी आने लगती है तो दोनों एक दूसरे को सजा देना चाहते हो। ठीक है, अगर उससे मुझे बात करनी है, या मुझे उस अगर मतलब आपको ये पता चलता है कि आपके पार्टनर को आपसे बात करनी, कभी कभी आप जानबूझ के भी नहीं करते, ऐसा लगता है ठीक है इसको भी सबक सीखने दो, इसको भी महसूस होने दो कि मेरे बिना कैसे महसूस होता है। ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिखो प्लानिंग। ऐसा बहुत बार होता है कपल्स में, अक्सर ऐसा होता है जिसे आप ज़्यादा प्यार करते हो उससे आप कभी कभी हर्ट भी करते हो जानबूझ के, है ना? तो इस पर्सन का एक्शन पता है क्या होने वाला है, चाहे आप बात करो चाहे ना करो, ये पर्सन एक फाइनल ट्राई करना चाहेंगे। चाहे आप इनकी तरफ ध्यान दो या ना दो, ये पर्सन एक बार और एफर्ट्स दिखाना चाहेंगे। चाहे आप कुछ भी कहो, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेके जितनी भी सारी फीलिंग्स है ना, वो बहुत जल्दी आपको बयान करने वाले हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर जो भी हिडन फीलिंग्स है उसको ये पर्सन बोलने वाले हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, उसके लिए आप दोनों को लाने पड़ेंगे चेंजेस,
जिसके लिए ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहा है, और इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है, आई एम रेडी, आई एम कमिंग। जी हाँ, कमर कस लो, ठीक है, रेडी हो, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर। कब तक आ रहे हैं? चलिए मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।